हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कूलेंट शीतलक। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था लुब्रिकेंट्स स्नेहक। उसमें मैंने बताया था कि स्नेहक का प्रयोग मशीन में किया जाता है दो घर्षित पार्ट्स के बीच, जिससे मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर शीतलक का प्रयोग कारीखंड एवं कटिंग औजार के बीच प्रयोग किया जाता है, जिससे कटिंग औजार का जीवन काल बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं, सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन ऑफ कूलेंट अर्थात शीतलक का परिचय। फीटर कार्यशाला में कार्यखंड को दिए गए उचित विमाओं अर्थात डायमेंशन में तैयार करने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के कटिंग संक्रियाएं अर्थात कटिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसमें कुछ हस्त कटिंग संक्रियाएं, हैंड कटिंग ऑपरेशन तथा कुछ मशीन कटिंग संक्रियाएं, मशीन कटिंग ऑपरेशंस होते हैं। इन कटिंग ऑपरेशंस के दौरान कटिंग औजार तथा कार्यखंड आपस में रगड़कर घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे औजार तथा कार्यखंड गर्म हो जाते हैं और उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है और वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कटिंग औजार एवं कार्यखंड के इस दोष को उत्पन्न होने से रोकने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे शीतलक अर्थात कूलेंट कहते हैं। अर्थात कार्यशाला में कटिंग संक्रियाएं के समय कार्यखंड एवं कटिंग औजार को ठंडा रखने वाले पदार्थ को शीतलक कहा जाता है। अब जानेंगे कूलेंट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ कूलेंट्स अर्थात शीतलक के लाभ। शीतलक कटिंग औजार के कटिंग किनारों को खराब होने से बचाता है। यह कटिंग औजार के हार्डनेस एवं टेम्पर गुण को बनाए रखता है। यह कटिंग औजार के जीवन काल को बढ़ा देता है। यह कार्यखंड को फिनिशिंग तथा परिशुद्धता प्रदान करता है। इससे कार्यखंड के कटिंग चिप्स साफ होते रहते हैं। शीतलक के प्रयोग से कम समय में अधिक कार्य होते हैं इत्यादि। आगे हम लोग जानेंगे टाइप्स, प्रकार, शीतलक के प्रकार। तो कार्यशाला में निम्न प्रकार के शीतलक का प्रयोग साधारणतः किया जाता है। पहला, हवा। हवा एक शीतलक का प्रकार है जो कार्यशाला में प्रायः कास्ट आयरन जैसे धातु के कार्यखंड पर मशीनिंग तथा ड्रिलिंग इत्यादि संक्रियाएं करते समय प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मशीन में लगे इंजन एवं मोटर को भी शीतल करने के कार्य में भी लाए जाते हैं। अगला प्रकार है कटिंग ऑयल। कार्यखंड पर कटिंग ऑपरेशंस करते समय धातु के अनुसार विभिन्न प्रकार के उचित तेल को भी शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जिसे कटिंग ऑयल कहा जाता है। जैसे कास्ट आयरन के लिए मिट्टी का तेल, हाई स्पीड स्टील अर्थात HSS धातु के लिए लॉड ऑयल, मोबिल ऑयल, सोल्यूबल ऑयल इत्यादि। अगला प्रकार सोल्यूबल ऑयल। इस प्रकार के शीतलक को पानी के साथ मिलाकर अर्थात पानी का 20 भाग और सोल्यूबल तेल का एक भाग इस प्रकार 20:1 में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद इसका रंग दूध के समान सफ़ेद हो जाता है। यह शीतलक सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला तथा सबसे सस्ता शीतलक है। अब हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ यूज, प्रयोग की विधि अर्थात शीतलक के प्रयोग की विधि। शीतलक निम्नलिखित विधि से प्रयोग में लाया जाता है। पहला, बाय कैन अर्थात कैन के द्वारा।
इस विधि में शीतलक को साधारण तरीके से एक कैन में डालकर प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, बाय पंप, पंप द्वारा। इस विधि में शीतलक को एक आधुनिक तरीके से पंप के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पंप को मशीन के उचित स्थान पर फिट किया जाता है, जो शीतलक के टैंक से कनेक्ट रहता है और कार्य करता है। अब हम लोग जानेंगे शीतलक और स्नेहक में अंतर। पहला, शीतलक। शीतलक का प्रयोग कार्यखंड तथा कटिंग औजार के घर्षण से पैदा हुई गर्मी को दूर करने के लिए किया जाता है। स्नेहक का प्रयोग आपस में दो या दो से अधिक ग्रसित पार्ट्स के द्वारा पैदा हुई गर्मी को कम करने के लिए किया जाता है। अर्थात शीतलक का प्रयोग हम लोग कार्यखंड और कटिंग औजार के द्वारा रगड़ खाने से जो उत्पन्न होती है गर्मी, उसको कम करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और स्नेहक का प्रयोग मशीन में जब दो पार्ट्स आपस में घर्षण उत्पन्न करते हैं और उससे जो गर्मी पैदा होती है उसको कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, शीतलक के प्रयोग से औजार का जीवन काल बढ़ जाता है और स्नेहक के प्रयोग से मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है। शीतलक के प्रयोग से औजार पर जंग नहीं लगते, स्नेहक के प्रयोग से मशीन पर जंग नहीं लगते। शीतलक के प्रयोग से औजार की कटिंग क्षमता बढ़ती है, स्नेहक के प्रयोग से मशीन के गति की क्षमता बढ़ती है, अर्थात ऊंचे होती है। शीतलक के प्रयोग से कार्यखंड पर अच्छी फिनिशिंग आती है और कार्यखंड परिशुद्धता से तैयार होती है। स्नेहक के प्रयोग से मशीन की परिशुद्धता बनी रहती है क्योंकि पार्ट्स कम घिसते हैं। जल्द मैं फिर अगला वीडियो आप लोगों को के बीच लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप हमसे शेयर करेंगे, और इसको आप पढ़ें, सुनें, समझें, कोई त्रुटि हो तो हमसे शेयर करें। धन्यवाद।